तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज है सैटरडे, थोड़ा बैंकिंग के काम थे इसलिए आज हफ्ते लिया था भाई हम लोगों ने। तो बैंकिंग तो हमने कंप्लीट कर दिया है, तो अभी नेक्स्ट टारगेट है यार कि टाइम बचा है थोड़ा, अभी फिलहाल 3 बज रहे हैं, 2 घंटे में हमारी सर्विस कंप्लीट हो सकती है और कल जो राइड है अपना उसके लिए वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं कल का, ना कि आज रिलैक्स करके आज गाड़ी का सर्विस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे भैया। राइडर आ चुका है पूरे मूड में, हाँ हाँ, रोड क्रॉस करना हर बार की तरह दिक्कत वाला काम, लेकिन करेंगे, रास्ता क्रॉस करेंगे। जो नॉइज है यार वो ज्यादातर आ रही होगी क्योंकि जो कवर होता है माइक के ऊपर का, जो एक्चुअल जो पार्ट होता है उसके ऊपर का एक कवर है, वो यार पिछली वाली राइड में घूम गया है। 5 रुपये लीटर चल रहा है। तो इस तरीके से हम भरवा चुके हैं पेट्रोल, रिजर्व से निकले भी नहीं है यार 500 रुपये। ओके चलते हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं। टॉपिक पे आते हैं, क्या करने वाले अभी। सबसे पहले यार मनी को लेके जा रहे हैं दूसरी सर्विस के लिए। पहली सर्विस मैंने किया था जलगांव, जो 500 किलोमीटर में था पहला, वो कंप्लीट कर चुका हूँ अभी। उसके 5000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, अराउंड 100 किलोमीटर रहा होगा कुछ, लेकिन जो शोरूम वालों ने मेरे को बताया था कि 5000 कंप्लीट करना है, 6 महीने के अंदर वो सर्विस करना है तेरे को। किलोमीटर एडजस्ट कर लेंगे लेकिन टाइमिंग एडजस्ट नहीं करेंगे, तो वो कंसिडर डायरेक्टली अगर तू उस टाइम में नहीं करता है तो वो दूसरा सर्विसिंग, मतलब तीसरा सर्विसिंग कंसिडर किया जाएगा, ना कि दूसरा, वो अपना सर्विस मतलब एक खराब हो जाता। तो इसकी वजह से टाइम पे कर रहा हूँ, दिक्कत तो कुछ है नहीं फिलहाल, लेकिन रेगुलेशंस के हिसाब से उठ गया था, काटा उठा तो भी काटे उठे। और माफ कीजिए, हम बिलोंग करते हैं गांव खेड़ों से, जो शब्द है हमारे वो थोड़े से आएंगे भाई जड़गांव पैटर्न वाले भाई। आज फास भी तो है मेरा, किसी भी नहीं जा सकता। बाय द वे गाइस, शनिवार को मेरा फास्ट होता है, सैटरडे नो नॉन वेज, सिर्फ जो फास्ट की चीजें होती है वही खाता हूँ मैं, और रात को 8-9 बजे वो फास्ट छोड़ता हूँ मैं। तो आज प्लान था मेरा कि केपी जाऊँ, केपी का बर्गर खाऊँ, लेकिन नहीं जा सकता। जो शोरूम है अपने फ्लैट से बहुत नजदीक, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर के दायरे में आता है रॉयल एनफील्ड का, छोटा सा शोरूम है वो, बाइक वगैरह भी होती है उनके पास, लेकिन सर्विस भी करते हैं, पहली बार ही उनसे करवा रहा हूँ, देखते हैं सर्विस कैसा है, अभी जाके पूछते हैं उनसे। मैंने अपॉइंटमेंट तो ले लिया था 1:30 बजे का, और आई होप कि हम लोग टाइम पे है, टाइम पे नहीं है, 1:30 बजे के हिसाब से 2 बज गए अभी। जैसा कि आप देख ही रहोगे मेरा लुक चेंज हो गया, रुको ज़रा अभी ठीक है। तो लुक मैंने चेंज कर दिया यार, कि उसके पीछे का रीज़न नहीं बताता हूँ मैं आपको, लेकिन मेन टॉपिक के हिसाब से बात करते हैं कि दूसरी सर्विस के लिए हम आए यहाँ पे, और छोटा सा शोरूम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, के लिए ज़्यादा गर्दी नहीं मिलती है, जब भी आओ तो डायरेक्टली आपका सर्विस करने लग जाते हैं वो, और वो कोऑपरेट बहुत अच्छा करते हैं आपको। तो ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्विस वो कैसे शुरुआत करेंगे, रैंप पे गाड़ी कैसे चढ़ाएंगे, या फिर वहाँ पे अभी दूसरी गाड़ी लगी हुई है तो वो निकालने के बाद अपनी गाड़ी मनी जब चढ़ेगी उस पर। जब मैंने मनी ख़रीदा था गणपति के टाइम पे, गणपति तो 3 दिन में ही मैंने 500 किलोमीटर पूरा कंप्लीट कर दिया था उसका, जो उसका सर्विस कॉस्ट था 1400 रुपये करके,
उनको पूछा नहीं था मैंने कि एक्चुअल क्या क्या है उसमें ऐसे सर, इसके हिसाब से आप इतने पैसे ले रहे हो, क्योंकि एक्साइटमेंट में था मैं तभी, मेरे को राइड करना था, वो बाकी पैसे वैसे के बारे में मैं कुछ सोच नहीं रहा था। लेकिन अभी मैं पूरा कंप्लीट आपको प्रोसीजर समझा दूंगा। अभी इसका ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या खोलते है, क्या क्या एक्सेसरीज डालते है, ऑयल वगैरह कैसे, उनसे पार्ट कहाँ से खुलते है, ये सब चेक करेंगे। आप देख रहे हो ये ब्रेक के पैड है, और कितना महीना हुआ है गाड़ी को, 6 महीना, मतलब मेरा ब्रेक लगाना कितना खराब है इससे पता चलता है। 6 महीने में ब्रेक पैड बदल चुके हैं मेरा, अभी बांबू लग गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ का पेंट नया डाला अपना, ये खत्म हो गया था, आगे। और इस साइड से एक्सल ग्रीसिंग किया, इसका चक्के का जो एक्सल रहता वो ग्रीसिंग किया, और ये चेन सेटिंग किया है। ये इतना पहले होना चाहिए, 25 से 30 mm पहले होना चाहिए इसमें। और ये अपना एयर फिल्टर है, यहाँ एयर फिल्टर रहता वो साफ किया हमने, और यहाँ से वाइल अपना ड्रेन किया ये खोल के, ओके। और ये आगे से एक्सल ग्रीसिंग किया खोल के, और यहाँ का पैड खोल के ग्रीसिंग किया। और यहाँ पर बैटरी रहता है, चेक किया, फिर
यहाँ का टिक किया, यहाँ का टिक किया, ओके है सर पेट्रोल, और यहाँ पर अपना ऑयल फिल्टर रहता है और रिप्लेस किया यहाँ से ऑयल डाला और वाइन बराबर है, डिस्क का वाइन जो रहता ना लेवल में वो अभी फील गया है ना। हाँ अभी वो कितना आता है, कितना एम एल आता है यार, ये लेवल में रहता है सर, एक लीटर 700 ml ये अभी चेन क्लीन करेंगे हम, उसके बाद लूप मारेंगे, ये अभी ये हम क्लीन कर रहे हैं। और ये कपड़े से पोंछ देंगे, ये फाइनल वॉशिंग होने के बाद इसके लूप मारेंगे। कितने कम समय में मैंने मेरा गाड़ी सर्विस कर लिया, ज़्यादा देर नहीं रुका था मैं, वेट भी नहीं गया क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। और अगर देखा जाए तो इससे बड़े वाले शोरूम में अगर जाता मैं, ज़्यादा देर लगती है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वेटिंग पे होते हैं, पेंडिंग पे होती है गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जल्दी से जल्दी हो गया है काम। तो गाड़ी का सर्विसिंग तो पूरा हो चुका है और गाड़ी गई है वॉशिंग के लिए, आ जाएगी तो फिर से हम हमारी रानी निकल लेके निकल जाएंगे यार अपने रास्ते पे। और सबसे पहले काम है कि उसका बिलिंग करना यार, वो बिलिंग करना पड़ेगा। ये साइड से और वो साइड से मार देगा। भैया थैंक यू, आपका नाम क्या है पहले मेरे दर्शकों को बता दो आप। मेरा नाम ब्रिजेश राजपूत है। ब्रिजेश राजपूत। राजपूत। और तेरा भैया? तन्मय दीदी। तो ये दो बनो है हम लोगों की जो मनी उनको रेडी किया है यार, तो थैंक यू सो मच फिर से एक बार। तो कल परसों सुबह तो ये वीडियो आने वाला है, अपलोड हो जाएगा, आप देख ही पाओगे। और मेरे चैनल को जाके क्या करना है भैया, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। ओके, तो जैसे इन्होंने बोला वैसे ही करना है, एक बार फिर से बोल दो कि क्या करना है। ₹1300 बिल हुआ है अपना। इतना अच्छा लगा है वो सुनते मेरे को नहीं पता यार, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना अच्छा लगा है एक्चुअली। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ये लाइक करना है। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में। वो अभी सस्पेंस है कि आने वाला वीडियो कहाँ का होगा, लेकिन मज़ा आपको बहुत आएगा। तब के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।